All right. Hello, everyone. And this is the second part of the MCQ discussion, जो NABARD Grade A Phase 1 में आए थे आपके ARD के. Part 1 के अंदर मैंने पहले 20 questions discuss किए थे and इसके अंदर हम rest of the remaining questions discuss करेंगे. PDF आपको Telegram के ऊपर मैं डाल दूँगा. All right. And Telegram पे आप chat भी कर सकते हो. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर गिवन है, मेल भी कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो. दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है एंड जिन लोगों के पास ये कोर्स है, अगर टेस्ट सारे किए हैं तो 30 से ऊपर के क्वेश्चन जो थे वो अराउंड आपके एमसीक्यू कोर्स के अंदर से थे डायरेक्टली. तो अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईबीपीएस एएफओ वगैरह सबके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है, तो एक्सप्लोर कर सकते हो. चलिए 21st क्वेश्चन के ऊपर सॉरी आ जाएंगे. बंची टॉप अप बनाना का ट्रांसमीटर यानी कि ट्रांसमिट कौन करता है इस डिजीज को. बंची टॉप अप बनाना बेसिकली एक वायरल डिजीज है एंड एमसीक्यू उसके अंदर ये भी कवर किया गया था. ओके, सो बंची टॉप अप बनाना का ट्रांसमीटर कौन है, तो एफाइड्स इसके केस में आपका जो है आंसर रहेगा. तो बंची टॉप के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. बेटा जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लो, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट्स हैं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट कि आप अपनी आंसर की मैच कर लो, वो तो आप ऑलरेडी आप अभी तक कर चुके होंगे. ठीक है, मेरा वो मोटिव है ही नहीं. मेरा मोटिव ये है कि आप अल्टीमेटली आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सको, फेज टू के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सको. सो बनाना बंची टॉप वायरस, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इनिशियली डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स अपीयर होंगे जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे वेंस के ऊपर, ठीक है, मिडरिप के ऊपर एंड लीफ स्टेम के ऊपर. एंड जो ये बेसिकली स्ट्रीक्स हैं, ये ऐसा लगेगा जैसे बंच बन गया, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है, इसीलिए इसको बंची टॉप वायरस बोला जाता है. एंड जो सिवियरली इन्फेक्टेड बनाना प्लांट्स होंगे उनके अंदर आपको फ्रूटिंग ही नहीं दिखेगी, फ्रूट ही नहीं प्रोड्यूस होगा. एंड इसको इन्फेक्ट कौन करता है, एक तो जो बनाना सकर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं उन सकर्स के थ्रू भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो सकता है, और बनाना एफाइट के थ्रू. तो यहाँ पर एफाइट ऑप्शन में था, वो हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के ऊपर क्वेश्चन था. बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था, ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, और ये एज इट इज ये वाली डेफिनेशन थी वहां पर. सिक्वेंशियल क्रॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ मल्टी क्रॉपिंग वेयर टू और थ्री क्रॉप्स इन टू ईयर्स आर ग्रोन इन सीक्वेंस ऑन द सेम फील्ड. ठीक है, दो या तीन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो आप दो सालों में और सीक्वेंस के अंदर चल रहे हो सेम फील्ड के अंदर. सेकेंड क्रॉप को आप कब प्लांट करते हो, जब आपका प्राइमरी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है, तो एक के बाद एक आप क्रॉप उसके अंदर ग्रो कर रहे हो. ठीक है जी, एज विद अदर मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस सिक्वेंशियल क्रॉपिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, तो सीक्वेंस के अंदर आप ग्रो करते हो, एक क्रॉप आपका हार्वेस्ट हो जाता है, साथ ही आप दूसरा क्रॉप जो है सो कर देते हो. थर्ड क्वेश्चन था आपके एक्सटेंशन मेथड के ऊपर, विच विल बी योर 23rd क्वेश्चन गाइस. काउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम हो गया है शायद, चलो कोई बात नहीं, इसको 23rd क्वेश्चन कंसीडर कर लो या जो भी है, नंबर डजंट मैटर. एक्सटेंशन मेथड जो यूज किया जाता है जहां पर आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, 5, 10, 15 लोग हैं और उनको आप टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो. ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, जैसे कोई पर्टिकुलर मशीनरी है तो आप फील्ड में लेकर के जाकर उस ग्रुप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि वो मशीन कैसे चलेगी. फॉर एग्जाम्पल ड्रोन का यूज है, तो ये किस टाइप की डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको बेटा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं. मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है 1 से 2 घंटे के समय में होता है और इसके अंदर ना स्टेप बाय स्टेप बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है कि किस तरीके से बेसिकली सारा प्रोसेस रन करना है. ये लो कॉस्ट प्रोसेस है, ठीक है, एंड एक एक्सटेंशन वर्कर इसके अंदर होता है और काफी सारे फार्मर्स इसके अंदर जो है वो रहते हैं एंड दे आर पार्टिसिपेटरी एंड एनेबल फार्मर्स टू लर्न बाय डूइंग. एक तरीके से फार्मर को क्या एनकरेज करता है कि यार देखो और सीखो, तभी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसको हम बोलते हैं. इजी क्वेश्चन था. 23rd क्वेश्चन है आपका, अगर आप दो डिफरेंट ब्रीज को क्रॉस कर रहे हो अल्टरनेटिवली यूटिलाइजिंग हेट्रोसिस इन बोथ डैम एंड प्रोजेनी, उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर बेसिकली आप दो डिफरेंट ब्रीड्स को मेट करते हो, तो अगर दो डिफरेंट ब्रीड हैं तो वो क्रॉस ब्रीडिंग है, उसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. एंड ब्रीड को आप चूज कैसे करते हो, जिससे आपका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हाई हो. ठीक है ना, जैसे आप क्रॉस ब्रीड करते हो यॉर्कशायर और ड्यूरॉक ब्रीड ऑफ पिक को फॉर प्रोड्यूसिंग अ बेटर ऑफस्प्रिंग.
24th क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं, क्रॉपिंग सिस्टम जो बेसिकली आपका रन ऑफ इरोजन को कंट्रोल करता है, शॉर्टनिंग एंड रिड्यूसिंग वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ, स्ट्रिप क्रॉपिंग यहाँ पर आंसर है। अगेन एग्जैक्टली अगर आप एफएओ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आपको सेम डेफिनेशन यहाँ पर मिलेगी, वहीं से इसको कॉपी पेस्ट करके एग्जामिनर ने डाला है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टेक्निक यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन के लिए प्राइमरीली इसको यूज किया जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, मेथड ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द वेरी सेम फील्ड, एक ही फील्ड के ऊपर एक ही लैंड के ऊपर आप अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप्स लगाते हो या पैचेस, आपने दो रो लगा दिए, फिर दो दूसरे के लगा दिए, फिर दो एक और के लगा दिए, या फिर चार लगा दिए, वो डिपेंड करेगा। ऑल्टरनेटिव रोज भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे हे वीट या कोई और क्रॉप आपने ग्रो कर दिया। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है एक तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि नेचुरली आपके पास आपका लैंड जो है वो वाटर के फ्लो को मेंटेन करके रखेगा एंड डेफिनेटली सॉइल स्ट्रेंथ को भी प्रिजर्व करने में ये हेल्प करेगा आपको। 25th क्वेश्चन, ये हमने जो क्रॉप डेटा वाला हमारा लेक्चर था, अगर आपने वो 8 लेक्चर्स देखे, मैंने बहुत बार बोला बच्चों को कि वो क्रॉप डेटा वाले लेक्चर्स देखो। 2011 के सेंसस के हिसाब से रूरल वर्कफोर्स का कितना परसेंटेज है कंट्री में, 33.69%, ठीक है, 33.69% रूरल वर्कफोर्स का परसेंटेज है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अपने को गिवन था, क्वेश्चन के अंदर अपने को बताया गया था कि एक यंग मीट टाइप चिकन है, ठीक है, और 8 से 10 वीक एज है एंड 1.5 से 2 किलो बॉडी वेट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको आइडेंटिफाई करना था, मीट टाइप चिकन होना चाहिए, 8 से 10 किलो वीक्स की एज में 1.5 से 2 किलो का वेट वो अटेन कर लेता है, तो ब्रॉयलर चिकन यहाँ पर आ जाता है। तो ब्रॉयलर की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप ICAR के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी जो एज इट इज क्वेश्चन में थी। बर्ड ऑफ अबाउट 8 वीक्स ऑफ एज ऑफ ईदर सेक्स विद एन एवरेज बॉडी वेट ऑफ 1.5 to 2 विद फ्लेक्सीबल ब्रेस्ट बोन कार्टिलेज प्लायबल एंड टेंडर मीट, ठीक है, एज इट इज आपको ICAR के डिफरेंट रिसोर्सेज के अंदर ये सेम डेफिनेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अप्रोच ऑफ फार्म मैनेजमेंट दैट यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एंश्योर दैट क्रॉप्स एंड सॉइल रिसीव एग्जैक्टली व्हाट दे नीड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इजीली आइडेंटिफाई हम कर पा रहे थे, आपके टॉपिक भी है नबार्ड के सिलेबस के अंदर जिसको हम बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग का ये टॉपिक था और जो डेफिनेशन एग्जाम के अंदर मेंशन थी वो एज इट इज यूनाइटेड किंगडम की वन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर डेफिनेशन है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है, अप्रोच टू फार्म मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो सॉइल्स हैं या जो क्रॉप है वो एग्जैक्टली जो उनकी रिक्वायरमेंट है उतना न्यूट्रिएंट रिसीव करें, उतना वाटर रिसीव करें, ठीक है। अभी हम इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम देखते हैं, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो प्रिसीजन फार्मिंग उस ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को खत्म करेगा। हम पंजाब और हरियाणा की स्टेट के अंदर क्या देखते हैं, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं प्रिसीजन फार्मिंग इस चीज के अंदर हेल्प करेगा। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो एम है वो क्या कहता है कि एक तो हम इस तरीके से फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेंगे, उसको लगना था 10 किलो फर्टिलाइजर उसने यूज कर दिया 100 किलो, तो खर्चा ही बढ़ा ना उसका। अब उसको पता है कि अगर 10 किलो में काम चल जाएगा तो डेफिनेटली उसके पैसे बचेंगे, सस्टेनेबल भी बनेगा एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा, ठीक है। तो और जो आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर है इसको सैटेलाइट एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, ठीक है, एंड साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट इसके अंदर जो है वो रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी आपका, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर टोटल हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर मुझे थोड़ा और रिसर्च करना है, लेकिन जो आंसर हमें पता चला है दैट इज सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। मैं अभी इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी इसके ऊपर रिसर्च जो है मेरे एंड पर चलेगा थोड़ा सा, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हम फ्यूचर के लिए डिस्कस कर सकते हैं। 27th या नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग थोड़ी सी हिल गई है तो नंबरिंग को आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब यहां पर क्या है, दो अनरिलेटेड प्योर ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान क्या देना था कि एनिमल डिफरेंट ट्रेड्स के हैं, ठीक है, लेकिन ब्रीड सेम है, ब्रीड सेम है लेकिन डिफरेंट ट्रेड्स के एनिमल है। तो अगर आप ऐसे एनिमल्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो जो ब्रीड तो सेम है लेकिन ट्रेड्स डिफरेंट है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे उसको, उसको आप बोलोगे आउट क्रॉसिंग, उसको आप क्या बोलोगे, आउट क्रॉसिंग।
28th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 28th क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आपका, इसमें क्या है कि भैया ये एक सिट्रस डिजीज है और इसमें क्या होता है, एक सैप जैसा लिक्विडी और स्टिकी कंपाउंड वो ऊज आउट यानी कि बाहर आता है, छोटे छोटे जो क्रैक्स वगैरह होते हैं ट्रीज के अंदर, सिट्रस ट्रीज के अंदर, बाग्स के अंदर, ठीक है, गम टाइप होता है, स्टिकी सा होता है, और जब बारिश होती है बहुत ज्यादा तो ये गम वॉश अवे हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इससे क्या होता है बार्क के अंदर वीकनिंग शुरू हो जाती है। शुरू में तो बार्क आपको लगेगा फर्म है बट धीरे धीरे वो क्रैक उसके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाएंगे अल्टीमेटली लीडिंग टू द डेथ ऑफ द ट्री। इसको हम बोलते हैं बेटा गिमोसिस। गिमोसिस सिट्रस ट्रीज के अंदर देखने को मिलता है एंड गिमोसिस इज ऑफन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द पैरासाइट्स लाइक फाइटोफथोरा पैरासिटिका, टी पैलमीवोरा, टी सिट्रोफथोरा। ओके, गिमोसिस के अंदर सिम्टम्स जैसे कि अभी क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखे क्या थे। अब इसके अंदर देखो डार्क स्टेनिंग ऑफ बार्क भी हो सकती है, आपकी बार्क जो है वो काली पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, बेस के ऊपर से बार्क डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी, गर्डलिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। गर्डलिंग में बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से आपके डेड एंड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ड्राइंग होनी शुरू हो जाएगी, श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड अल्टीमेटली डेथ। ओके, एंड क्राउन रूट्स तक बेसिकली ये डिजीज एक्सटेंड कर जाता है। नेक्स्ट था ट्राइसेम इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, अगेन टॉपिक का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ट्राइसेम क्या था, ये एक स्कीम था जो 1999 के अंदर आया था, पुरानी स्कीम है, अब तो इसको खत्म भी कर चुके हैं। इसका बेसिकली काम क्या था, ये जो रूरल यूथ होता है ना उसको टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल अपडेट करने के लिए, ठीक है, जैसे आजकल अपने यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलता है, पहले ट्राइसेम नाम का स्कीम चलता था। तो ट्राइसेम विच इज कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये स्कीम जो है बेटा 1999 के अराउंड शुरू हुई थी, 18 से 35 एज ग्रुप के लोगों को एक कवर कर रही थी एंड अल्टीमेटली स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो 1999 में आई थी उसमें इसको मर्ज कर दिया था। उसके बाद फिर ये स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी सरकार ने अब खत्म कर दी है, अब हमारे पास दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलता है। 30th क्वेश्चन था जी, थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट 2021-22 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2021-22 के अंदर जो थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स थे दैट वाज उसके अकॉर्डिंग 314.51 मिलियन टन्स था। अब देखो अगेन ये पीआईबी के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीआईबी के अंदर से पिछले वाले पार्ट में मैंने एनएएस का एक क्वेश्चन दिखाया था, ये मई के अंदर करंट अफेयर आया था थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट। अब जब तक अपने पास फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स नहीं आते ना तब तक ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मेंस तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस लिंक को मैं आप लोग पीडीएफ में जब लिखोगे इसको कॉपी करके देख लीजिएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फटाफट से, ये देखो ये है जी आपका, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है जी, तो जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको वेरियस जो क्रॉप्स हैं वो गिवन है, ठीक है, ये पीडीएफ फाइल है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। आपके क्रॉप नेम्स जो हैं वो गिवन है, जैसे राइस है, राइस का खारिफ का प्रोडक्शन थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से, ये लास्ट वाला जो है ना इसके ऊपर आपने मेनली फोकस रखना है, बाकी सारा ये सब काट देना, ये कुछ नहीं पूछने वाला वो। तो थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट के हिसाब से 111.04 मिलियन टन्स, ठीक है, सिमिलरली राबी राइस, टोटल राइस, उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसके अंदर है। तो मैं आपको एक तो क्रॉप्स भी बता देता हूँ किस किस का कर लेना जिसका वो सवाल पूछ सकता है, राइस का टोटल कर लेना, मेन तो टोटल पूछता है वो, खारिफ राबी आपकी मर्जी है। सिमिलरली वीट कर लीजिएगा, ज्वार के अंदर भी टोटल कर लीजिएगा, बाजरा कर लीजिएगा, मेज का भी टोटल, ओके, रागी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कर सको तो कर लेना, बट जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो तो डेफिनेटली कर लेना। उसके बाद न्यूट्री सीरियल्स और न्यूट्री कोर सीरियल्स का टोटल कर लेना, सीरियल्स का टोटल कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेटा तुर, ग्राम, उरद, मूंग, ये कर लेना, ठीक है, टोटल करना है सबका, ऑलराइट, टोटल पल्सेस कर लेना, ऑलराइट, एंड टोटल फूड ग्रेन आपके पास यहाँ पर आ गया। तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही सवाल पूछता है, ये आप कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्रेप्स आर मेनली प्रोपोगेटेड बाय डॉर्मेंट कटिंग, इसके अंदर आंसर है. इसको भी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, प्रोपोगेशन अलग से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, आर्ट ऑफ ग्रोइंग, सेलिंग, डिजाइनिंग, अरेंजिंग फ्लावर्स एंड फॉलिएज इज कॉल्ड. जहां पर आप ग्रो कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो और फ्लावर्स को अरेंज कर रहे हो, फ्लोरिकल्चर उसको बोलते हैं. ठीक है, सो फ्लोरिकल्चर और फ्लावर फार्मिंग जिसको आप बोलते हो, जिसके अंदर आप ग्रोइंग, मार्केटिंग, फ्लावर वगैरह सब उसके अंदर आ जाता है. इजी क्वेश्चन था. कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग भी आ गया इसके अंदर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह जो आप ग्रो करते हो, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा. रॉ मटेरियल सप्लाई करता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, सीड कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, सब फ्लोरिकल्चर के अंदर आ जाता है. ओके, एंड जो पर्सन प्रैक्टिस करता है उसको फ्लोरिकल्चरिस्ट बोलते हैं. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कि ऐसा इरिगेशन मेथड जो रेनफॉल को रिजेंबल करता है, बारिश की तरह इसमें पानी गिरे. बड़ा इजी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं था. पूरी फील्ड को इरिगेट करेगा और खर्चा भी बचाएगा. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन इसके अंदर आंसर आना था. स्प्रिंकलर इरिगेशन आप सब जानते हो, जहां पर एज अ रेनफॉल आपके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी जो है फील्ड के ऊपर गिरेगा, ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू पानी जो है सरफेस पे फॉल करेगा. एंड जो स्प्रे है उसको डेवलप कैसे करते हैं, प्रेशर क्रिएट किया जाता है एंड अल्टीमेटली एक नोजल होती है जिसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, जिसमें प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ रिलीज होगा एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी देन अल्टीमेटली इट विल फॉर्म ऑन द फील्ड. ओके, और प्रेशर पंपिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है. नोजल साइज डिपेंड करेगा आपके क्रॉप के ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, अकॉर्डिंगली प्रेशर का भी जो है वो सारा सिस्टम अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा. पानी भी बचाता है और यील्ड को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड कॉस्ट सेविंग में भी आपको हेल्प करेगा. साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल, साइंटिफिक नेम तो मैं बोल बोल करके पागल हो गया हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन तो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम पे पूछना ही है. और हॉर्टिकल्चर में एप्पल बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मैलस डोमेस्टिका, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, दुनिया की सबसे एग्जॉटिक कल्चर्ड फिश, कल्चर्ड फिश का मतलब होता है जिसको फिश कैचिंग और फिश फार्मिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है और इंडियन वाटर्स के अंदर भी जो अब एक्लिमेटाइज हो चुकी है, दैट इज योर कॉमन कार्प, बॉटनिकल नेम साइप्रिनस कार्पियो. नेक्स्ट था जी कि एम्पेडा ने, मैंने आपको बताया ना कि एम्पेडा में से दो क्वेश्चन, उन्होंने वेबसाइट खोली होगी और वेबसाइट में से ही उन्होंने दो क्वेश्चन उठा लिए एक जगह से. एम्पेडा की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल स्केल श्रिम्प फार्मर्स के लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है? तो एम्पेडा की उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अगेन मैं आपको एक लिंक के ऊपर चल रहा हूँ. मैंने बताया ना आपको कि एक एग्जामिनर जो होता है ना, ये नबार्ड एग्जाम्स वगैरह में और आरबीआई वगैरह में, ये कई बार एक सोर्स खोल लेते हैं और उसी सोर्स के पीछे भागते रहते हैं. फिर ये देखो, एज इट इज लैंग्वेज आपको वहां पर मिलेगी, एज इट इज. ये देखो जी, जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज थी बिल्कुल डिटो. आजो तो देखो यहां पर क्या लिखा है. नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एम्पेडा इन 2007, ठीक है, 2007, ये भी याद रखना है. एज एन आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपलिफ्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल स्केल श्रिम्प फार्मर्स, ठीक है, एज इट इज लैंग्वेज यहां पर मेंशनड है. ऑलराइट, समझ रहे हो, क्योंकि 90% से ज्यादा जो इंडियन श्रिम्प फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल या मार्जिनल कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो वो आप क्लास के बाद, कभी कोई चीज ना समझ में आए, बाद में ना आए, तो वो व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम, कॉन्टैक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं. 37th क्वेश्चन था, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर, ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली, काउंटिंग गलत होने की वजह से 37 बोल रहा है. पीरियड फॉर ब्रॉयलर चिकन इंक्यूबेशन पीरियड, तो 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा ब्रॉयलर चिकन के लिए, ठीक है, फैक्चुअल सा क्वेश्चन. ऑलराइट, एंड विद दिस वी आर डन विद द इवनिंग शिफ्ट जो हुआ था आपका नबार्ड ग्रेड ए का. अब मॉर्निंग शिफ्ट के भी ऐसे ही दो वीडियोस बना करके खत्म कर देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे लेक्चर्स. वीडियो देखने में मजा आया हो तो दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना यार, ठीक है, ताकि कंटेंट इस तरह का अपलोड होता रहे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय.